हेलो फ्रेंड्स, रेनिश्का किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक। घर में केक बनाने के लिए हमें सभी चीज़ें योग्य मात्रा में लेना आवश्यक है। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 1 बाउल मैदा, 1 बाउल पिसी हुई शक्कर और 1 पॉट। ये कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। कोको पाउडर ऑप्शनल है। अभी हम अंडे 3 फोड़ कर एक बड़े से बाउल में उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए अलग ये चम्मच आता है जो मैंने लिया है, वही आप यूज़ कीजिएगा, उससे ज़रा अच्छा बनता है केक। अभी हम उसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर हमने मिक्सर से मिक्स की हुई है, उसे एकदम बारीक कर दिया है। अब हम पूरी तरह से अंडे को फेंटने के बाद 3-3 चम्मच डालते हुए शक्कर को फेंटेंगे। अंडे जब तक फेंटे तब तक उसे झाग ना आए। जब झाग आने लगे तो उसमें मिलाएंगे हम 3-3 चम्मच करके शक्कर। आराम से हिलाते रहिए और हिलाते वक्त देखना है कि वह एक ही डायरेक्शन में घूमे। अब फिर से हम ऐड करेंगे 3 चम्मच शक्कर और उसे फिर से एक डायरेक्शन में घुमाते हुए ऐड कीजिए और उसे थोड़ा हवा में उछालने की कोशिश कीजिए ताकि वो अच्छे से हवा से मिक्स हो जाता है और उसमें जल्दी से बबल्स आना चालू हो जाते हैं। अब हमने पूरी कटोरी शक्कर डाल दिया है उसमें, पूरा 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको मिक्स करते वक्त उसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है कि मिक्स हुई है या नहीं हुई है। अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है। अगर आप चम्मच से मिक्स करेंगे तो इतना जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए हमने ये अलग चम्मच मिलता है वो लिया है। इसके बाद हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा, वो भी 3-3 चम्मच डालते हुए हिलाते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में। अब ज़रा वो गाढ़ा सा होने लगा है और घुमाने में हमें तकलीफ़ होती है थोड़ी, वो हल्का नहीं महसूस होता। अब पूरा मैदा डाल दिया हमने 1 कटोरी। उसके बाद हम डाल रहे हैं उसमें गरम किया हुआ तेल, या फिर आप डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे भाप आने तक गरम करना है। अब उसमें हम डाल रहे हैं करीब करीब 2 चम्मच बेकिंग सोडा, उसे भी एक डायरेक्शन से मिलाइए। मिलाने के बाद हम डालेंगे उसमें गरम किया हुआ दूध। दूध इसलिए कि ज़रा सा वो गाढ़ा हो जाता है मिश्रण, उसको हल्का करें और उसे अच्छा स्वाद भी आ जाता है। एक ही डायरेक्शन में गूंथे। ये देखिए मिश्रण अभी ज़रा हल्का हो गया है। फिर से हम उसमें दूध ऐड करेंगे। उतना ही कीजिए, एकदम भी पतला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला होने पर वो केक अच्छे से फूलता नहीं है। अब हम स्टील के 1 डब्बे को अच्छे से ग्रेसिंग करेंगे तेल से ताकि केक हमारा उसे चिपके ना और आराम से निकल आए। गैस पे हमने कुकर रख दिया है,
कुकर चालू करेंगे एकदम धीमी आंच पे। उसमें रखने की जो छलनी आती है वो हमने वहाँ डालना है, ताकि चारों तरफ से ये छलनी है कुकर की वो उसे उल्टी रख दीजिए, ताकि नीचे से आपका केक जले ना और उसे एक समान तापमान मिलता रहे। हमने ऑलरेडी ग्रीस किए हुए डिब्बे में ये मिश्रण को डालना है। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम पतली भी नहीं और गाढ़ी भी नहीं। ज़्यादा पतला होगा तो वो फूलेगा नहीं और गाढ़ा होगा तो भी अच्छे से फूलेगा नहीं हमारा केक। अब ये कुकर के डब्बे में हमने डाल दिया और ये केक बनाने का डिब्बा हम कुकर में रख देंगे। इसके ऊपर कुकर का ढक्कन नहीं रखेंगे, सीधी एक थाली या प्लेट और उसके ऊपर एक मजबूत कोई चीज़ रख देंगे, ताकि भाप बाहर ना निकले और गैस को एकदम धीमी आंच पर रखते हुए आधे घंटे तक पकाइए। ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारा केक हम इन्हें टेस्ट कर रहे हैं। एक चक्कू से चक्कू डाल के देखा, देखो कहीं भी केक चिपका नहीं है, यानी हमारा केक रेडी हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके हम वैसे ही रखेंगे केक को। अभी 15 मिनट बाद हमने केक को आजू बाजू से काटना है और उसे उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए हमारा केक तैयार है। अब उसे हम अच्छी तरह सजाएंगे और सर्व करेंगे। सबको अच्छा लगने वाला केक। आप चाहे तो इसमें कोको पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तरह हमारा केक एकदम रेडी हो गया है। देखिए हमने इसे जेली से सजाया है, कितना सुंदर लग रहा है। और घर की चीज़ें खाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी लॉकडाउन के वजह से आप इस तरह से घर में ही आसानी से केक बना सकते हैं। कभी उसे चॉकलेट से सजाइए, कभी उसे टूटी फ्रूटी से सजाइए और सर्व कीजिए। घर में बनाया हुआ केक आपको हमेशा घर का ही स्वाद देगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको अगर ये केक की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।